देश आज विजयदशमी का पर्व मना रहा है। विजयदशमी के पर्व के दिन पीएम मोदी ने देश को रक्षा क्षेत्र के 7 कंपनियां देश को समर्पित की हैं। इन कंपनियों में पिस्टल से लेकर फाइटर प्लेन तक का निर्माण किया जाएगा। सरकार का ये कदम आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। पीएम मोदी ने इस कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया। पीएम मोदी ने इन कंपनियों के लिए 65,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर की जानकारी दी और कहा, जो कुछ नया करना चाहते हैं उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने का पूरा अवसर मिलेगा। पीएम मोदी ने कहा, भारत ने अपनी आजादी के 75वें साल में प्रवेश किया। आजादी के इस अमृतकाल में देश एक नए भविष्य के निर्माण के लिए नए संकल्प ले रहा है। जो काम दशकों से अटके थे उन्हें पूरा कर रहा है। उन्होंने कहा, 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को नए स्वरूप में किए जाने का निर्णय और 7 नई कंपनियों की ये शुरुआत देश की इसी संकल्प यात्रा का हिस्सा है। 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को नए स्वरूप में किए जाने का निर्णय, 7 नई कंपनियों की ये शुरुआत देश की इसी संकल्प यात्रा का हिस्सा है। ये निर्णय पिछले 15-20 साल से लटका हुआ था। मुझे पूरा भरोसा है कि ये सभी 7 कंपनियां आने वाले समय में भारत की सैन्य ताकत का एक बहुत बड़ा आधार बनेगी। वहीं पीएम मोदी ने कहा, निर्णय पिछले 15-20 साल से लटका हुआ था। आज देश के डिफेंस सेक्टर में जितनी ट्रांसपेरेंसी, ट्रस्ट और टेक्नोलॉजी ड्राइविंग अप्रोच है उतनी पहले कभी नहीं रही। आजादी के बाद पहली बार हमारे डिफेंस सेक्टर में इतने बड़े रिफॉर्म हो रहे हैं। अटकाने लटकाने वाली नीतियों की जगह सिंगल विंडो सिस्टम की व्यवस्था की गई और उन्होंने कहा, आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत देश का लक्ष्य अपने दम पर दुनिया की बड़ी सैन्य ताकत बनाने का है और भारत में आधुनिक सैन्य इंडस्ट्री के विकास का मुख्य लक्ष्य है। आजादी के बाद हमें जरूरत थी इन फैक्ट्रीज को अपग्रेड करने की, न्यू एज टेक्नोलॉजी को अपनाने की, लेकिन इस पर बहुत ध्यान नहीं दिया गया। समय के साथ भारत अपनी सामरिक जरूरतों के लिए विदेशों पर निर्भर होता गया। इस स्थिति में परिवर्तन लाने में ये नई 7 डिफेंस कंपनियां बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी। साथियों, आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत देश का लक्ष्य भारत को अपने दम पर दुनिया की बड़ी सैन्य ताकत बनाने का है। भारत में आधुनिक सैन्य इंडस्ट्री के विकास का है। इस कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और इन कंपनियों से जुड़े लोग भी शामिल हुए। केंद्र सरकार ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को भंग कर दिया। नियमों में बदलाव कर इन कंपनियों में कार्यरत कर्मचारियों की हड़ताल करने पर रोक लगा दी। सरकार ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड भंग कर 7 नई कंपनियों के गठन का फैसला किया था। केंद्र सरकार के इस फैसले के तहत ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को भंग कर 7 नई कंपनियां गठित की गई हैं। इम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर मुख्य रूप से 2 फैक्टर्स द्वारा निर्देशित था। सबसे पहले पुनर्गठन के परिणाम स्वरूप ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज द्वारा ऑर्डिनेंस सप्लाईज में ऑटोनॉमी, एफिशिएंसी और अकाउंटेबिलिटी में सुधार होना चाहिए। दूसरे, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के कार्बोनाइजेशन के निर्णय को लागू करते समय कर्मचारियों के हितों की पूरी तरह से रक्षा भी की जा रही हो, यह भी सुनिश्चित। इन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का पुनर्गठन करने और इसे 7 कॉर्पोरेट एंटिटीज में बदलने का निर्णय लिया गया और इस निर्णय से इन कंपनीज को ऑटोनॉमी मिलेगी और साथ ही साथ नई कंपनीज के तहत 41 फैक्ट्री के कामकाज में अकाउंटेबिलिटी और एफिशिएंसी में सुधार करने में मदद भी मिलेगी। प्रधानमंत्री कार्यालय ने इसे देश की रक्षा से जुड़ी तैयारियों के लिए अहम बताया था और विजयदशमी के पर्व के दिन पीएम मोदी ने देश को रक्षा क्षेत्र की 7 कंपनियां देश को समर्पित की हैं। स्पेशल डेस्क
टोटल टीवी।